फ्रेंड्स, आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ टमाटो केचप की रेसिपी। देख रहे होंगे थिकनेस इसकी कैसी है, ये इतनी बढ़िया बनेगी कि मार्केट जैसी। आप भी एक बार कंफ्यूज हो जाएंगे कि मार्केट से मंगाई है कि घर की है। बिल्कुल वही सेम टेस्ट, आप थिकनेस इसकी देख रहे हैं, कलर देख रहे हैं, एकदम नेचुरल कलर है। बहुत कम इन्ग्रीडियंट के संग ये बनकर तैयार हो जाएगी। टमाटर जब सस्ते होते हैं या आपका जब दिल करे घर में शुद्ध रूप से बनाने हो, टमाटर कैसे भी हो, सस्ते हो महंगे हो, तो बढ़िया से टमाटर लेकर आइए। और इसमें 3 किलो टमाटर से 1.5 किलो हम सॉस बनाकर तैयार करेंगे। एक बार आपने प्रोसीजर देख लिया तो घर पर ही सॉस बनाएंगे, बहुत टेस्टी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, मीनूज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके संग रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है, हर घर में उसकी ज़रूरत होती है, हर स्नैक के संग हम उसको यूज़ करते हैं, खाते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिए 3 किलो टमाटर, ये लाल लाल टमाटर है, सलाद वाले टमाटर है, यही टमाटर लीजिएगा। इसे सॉस बहुत बढ़िया बनती है, एकदम थिकनेस आती है इन टमाटरों से। इनको हमने धो लिया, सुखा लिया और उसके बाद हमने टमाटर को कट कर लिया, रफली चॉप कर लिया, क्योंकि टमाटर को मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। कोई चीज़ हमें लॉन्ग टाइम तक रखनी होती है तो उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए या फिर पानी बॉइल्ड होना चाहिए। तो हमने टमाटर को धो लिया, सुखा लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए टमाटर को प्रेशर कुकर में डाल दिया। 10 से 12 हम सूखी हुई लाल मिर्ची करेंगे, कश्मीरी मिर्चें जो कि तीखी बिल्कुल भी नहीं होती। आप इसकी जगह 1 चम्मच कश्मीरी पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मिर्च हमें नहीं डालनी। 50 ग्राम हमने कटे हुए अदरक डाले हैं, 10-12 लहसुन की कलियां डाली हैं और 1 बड़े प्याज को हमने रफली कट करके डाल दिया है। आप अगर अदरक प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो उसको अवॉइड कर सकते हैं, तो भी आपकी सॉस अच्छी बनेगी। और नेचुरल कलर हमने यानी चकुंदर डाला है इसमें, एक छोटा चकुंदर बारीक बारीक कट करके डाला है। 2 चम्मच हमने छोटी नमक डाला है। अब हमें इसको क्या करना है, थोड़ा सा हिलाते हुए पकाएंगे, 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम करके इसको पकने देंगे, जिससे कि टमाटर अपना पानी छोड़ दे, फिर हमें इसको प्रेशर कुक करना है। तो अब पानी छोड़ दिया टमाटरों ने, अब लिड लगा के हमें पूरी 1 विसिल लेनी है। 1 विसिल आने के बाद गैस को कर देंगे ऑफ और इसको अपने ही प्रेशर में पहले ठंडा होने देते, क्योंकि हम निकालेंगे तो ऊपर सारा छीटे छीटे हो जाएंगे। तो अब हमने इसको जब ठंडा हो गया तो खोल लिया। अब देखिए हमें क्या करना है, हम सब चीज़ जो कर रहे हैं सूखे हाथों से कर रहे हैं, क्योंकि सॉस को कम से कम हमें 2-3 महीने चलाना है। तो अब गैस के फ्लेम को फिर से ऑन करेंगे और देखिए पानी देख रहे हैं टमाटर का कैसे एकदम से आ गया। हमने इसमें कुछ भी पानी का यूज़ नहीं किया है, मार्केट में जो पानी का यूज़ करके उसमें कॉर्नफ्लोर मिलाया जाता है, लेकिन हम प्योर टमाटर से बना रहे हैं। अब देखिए चम्मच, बड़ी चम्मच से हम पूरे 10 चम्मच इसमें चीनी डालेंगे, यानी 1 कप चीनी। आप नाप के डाल सकते हैं, मैं एक एक चीज़ नाप के आपको बता रही हूँ ताकि जरा से भी प्रॉब्लम ना हो आपको। बड़ी चम्मच, 10 चम्मच हमने चीनी डाल लिया है। अब इसको चीनी को भी इसमें डाल लेंगे, चीनी की एक चाशनी बनेगी टमाटर में, और जो चाशनी बनेगी ना वो उसमें थिकनेस लाएगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी एकदम से। चीनी डालने के बाद एक चमक सी भी आ जाएगी इसमें, आप देख ही रहे होंगे टमाटर कैसे लाल लाल हो गए, एक चमक आने लग जाती है। अब प्रिजर्व के लिए हमें क्या करना है, हम नमक भी डाल चुके हैं, चीनी भी डाल चुके हैं, और एक बढ़िया से आपको अगर इसमें चुकंदर यूज़ नहीं करना तो इसमें आप 1/4 चम्मच रेड ऑरेंज कलर यूज़ कर सकते हैं। और मैंने 1 चम्मच नमक और डाल दिया क्योंकि मैंने इसको चख के देखा था नमक कम था, आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं थोड़ी सी नमक और चीनी की। अब इसमें प्रिजर्व के लिए हम डालेंगे विनेगर, मैं वाइट विनेगर का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी कर सकते हैं। अब बड़ी चम्मच के हिसाब से पहले मैं 5 चम्मच डालूँगी, फिर हम टेस्ट करेंगे। कई बार टमाटर खट्टा होता है तो टमाटर में कैसा टेस्ट आ रहा है, आप दोनों सॉस को कंपैरिजन कर लीजिएगा। बाजार वाली सॉस होती है सबके घर में, वो टेस्ट कर लीजिए, ये टेस्ट कर लीजिए, जैसा टेस्ट आपको लगता है उस हिसाब से आप इसमें विनेगर मिला लीजिए। मैंने 5 चम्मच मिलाया है, अभी मैं इसमें थोड़ा सा मुझे मिठास लग रही है तो मैं 3 चम्मच विनेगर और डालूँगी इसमें, यानी 3 किलो टमाटर में मैंने 8 चम्मच विनेगर डाला है। बड़ी चम्मच ले लीजिएगा कोई, इस तरीके से आप विनेगर डाल लीजिएगा और थोड़ा थोड़ा सामान आप एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए अब मैं इसको कवर्ड, मैंने इसको लिड नहीं लगाई, ऊपर से मैं ऐसे ही ढक दिया, कोई भी प्लेट ढक लीजिए, और पूरे 30 मिनट के लिए इसको स्लो गैस पर पकने देंगे, मीडियम फ्लेम कर लेंगे, ना तो बहुत ज़्यादा हाई ना बहुत ज़्यादा स्लो, मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देंगे। टमाटर बिल्कुल मैशी हो जाना चाहिए, चाशनी और विनेगर सब कुछ आपस में ऐसे मिल जाना चाहिए बस, कि एकदम से गाढ़ापन आ जाना चाहिए। पूरे आधे घंटे हमने बीच बीच में थोड़ा स्टर करते रहे, चलाते रहे इसको, और पूरे आधे घंटे बाद बंद करने के बाद हमने इसको बहुत अच्छे से ठंडा कर लिया। आप देख रहे होंगे टमाटर कैसे गाढ़े हो गए हैं एकदम। मिर्ची हमने निकाली, मिर्चों को हमने बिल्कुल भी नहीं पीसना है। अगर आप कश्मीरी मिर्च का पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो वो आप डाल सकते हैं, उसको पीस सकते हैं, लेकिन हमें लाल मिर्च बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है।
अब देखिए इसको हमें मिक्सी जार में ठंडा होने के बाद पीसना है, बिल्कुल जब ठंडा हो जाए। कम से कम 2 घंटे बाद मैं पीस रही हूँ इसको। अब बिल्कुल ठंडा होने के बाद इसमें एक अपने आप ही देखिए क्या थिकनेस आ गई है पकने के बाद, जो मैशी हुआ है ये। अब इसको हमें छान लेना है बस। सब चीज़ें मैं बार बार आपको यही बोल रही हूँ, सूखी सूखी लेनी है। और अगर आपको, क्योंकि इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है, कुछ भी सामान मार्केट में इजीली मिल नहीं पा रहा है, बहुत कम सामान से मैंने इसको बनाया है। आप प्रिजर्व के लिए, हमने सिरका तो इसमें डाल दिया, 1/2 चम्मच सिट्रिक एसिड डाल सकते हैं अगर आपको बहुत लॉन्ग टाइम के लिए रखनी है, यानी 3-4 महीने के लिए रखनी है। ये 1 से 1.5 महीना फ्रिज में बिल्कुल सेफ रहेगी, इतनी तो मेरी गारंटी, क्योंकि मैं इतने बना के रखती हूँ, इतने में यूज़ हो जाती है। इससे ज़्यादा मैंने अभी नहीं रखी है, लेकिन आप अगर इसमें 1/2 चम्मच सिट्रिक एसिड डाल देंगे तो बहुत ही बढ़िया सॉस बनकर तैयार हो जाएगी। सॉस तो हमारी तैयार हो चुकी है, कलर देख रहे हैं एकदम नेचुरल कलर आया है। अब मैंने आपको सारे ऑप्शन बता दिए। आप देखिए, ना मैंने कोई पानी मिलाया, ना मैंने कोई कॉर्नफ्लोर मिलाया, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के संग मैंने इसको बना दिया। बहुत ही परफेक्ट हमारी टमाटो केचप बनके तैयार है। इस तरीके की कोई भी कांच की बोतल तैयार आपके पास हो तो ऐसे कीप लगाइए और इसको भर लीजिए, और बहुत बढ़िया से 2 महीने तक ये सॉस आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, फ्रिज में रखिएगा। और अगर आप सिट्रिक एसिड डाल रहे हैं तो आप इसको बाहर रख कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया टमाटो केचप हमारी, देख रहे होंगे ऊपर से डाल रहे हो, नीचे कैसे जा रही है, और फ्रिज में रखने के बाद थोड़ी एक गाढ़ी हो जाएगी। देखिए बहुत बढ़िया से हमारी टमाटो केचप तैयार, 1 लीटर बन गई और कम से कम 300 ग्राम के करीब इसमें है, तो छोटी बोतल भी आपकी इससे भर जाएगी। तो बहुत ही बढ़िया हमारी टमाटो केचप बन के तैयार है। आप भी बनाइए, अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए।